हम लोग मूविंग कॉइल गैल्नोमीटर के बारे में बात कर रहे थे, तो आपको बताया था कन्वर्जन, एक कन्वर्जन बताया था आपको कि हम लोग गैल्नोमीटर से अमीटर में कैसे चेंज करते हैं, गैल्नोमीटर क्या होता है, अमीटर क्या होता है, ये बताया था। अब हम बात करेंगे कि गैल्नोमीटर से हम लोग वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे। तो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, हम लोग गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे, यानी रूपांतरण है किसका, विक्षेप मापी का जो है धारा मापी, वो वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर जो है धारा मापी का, धारा विक्षेप मापी का, विक्षेप मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। तो वोल्ट मीटर क्या था, गैल्वेनोमीटर तो हमने आपको बता दिया था, ये बड़ा ही सुग्राही होता है, बड़ा ही सेंसिटिव होता है, इसको हम नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन कैसे यूज़ कर सकते हैं पैर। वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर मान लीजिए कोई सर्किट दिया हुआ है, इसका आपको वोल्टेज कैलकुलेट करना, तो इसके पैरेलल हम वोल्ट मीटर लगा देते हैं। बल्कि अमीटर को कैसे लगाते हैं, लगाना होता था, मान लीजिए कोई सर्किट दिया, मैंने कहा था इसका आपको करंट पता करनी, तो वो उसके सीरीज में लगाते थे। अमीटर को किस में लगाते थे, सीरीज में। अमीटर को किस में लगाएंगे, सीरीज में लगाएंगे। जबकि आप वोल्ट मीटर को किस में लगाएंगे, वोल्ट मीटर को पैरेलल लगाएंगे, इसको ऐसे लगाएंगे पैरेलल। जिस भी सर्किट का आपको वोल्ट मीटर पता करना, वोल्टेज पता करना है, क्या करें, उसके पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा दीजिए, एक तार इधर से वोल्ट मीटर आप पता कर लीजिए। लेकिन अगर करंट पता करनी है तो उसके सीरीज में लगाना होता था, सीरीज में लगा देते। जब सीरीज में इसको लगाते थे तो गैल्वेनोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते थे, पैरेलल जो आप शंट लगाते थे, क्या लगाते थे, शंट लगा देते थे। शंट किस कैसे इस्तेमाल कर देते थे, पैरेलल इस्तेमाल करते थे, कैसे इस्तेमाल करते थे, पैरेलल इस्तेमाल करते थे शंट को। लेकिन जब इसमें लगाएंगे और इसमें जब रेजिस्टेंस यूज करेंगे तो इसमें सीरीज में लगाएंगे, उल्टा, ये हाईली जो है रेजिस्टेंस वाला होता है, हाईली रेजिस्टेंस वाला होता है, जबकि इसका रेजिस्टेंस लो होता है। एक आदर्श वोल्ट, अगर आदर्श अमीटर की बात करें, एक आदर्श अमीटर के लिए जो आपका रेजिस्टेंस होना चाहिए वो शून्य होना चाहिए, लेकिन वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होना चाहिए वो अनंत होना चाहिए, इन्फिनाइट होना चाहिए। किस तरह से कन्वर्ट करते हैं वोल्ट मीटर से अमीटर में, किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, ये इस पर डिस्कस करते हैं। मान लीजिए ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर से सीरीज में आपने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, इस रेजिस्टेंस को आपने आरजी, इसका रेजिस्टेंस जो है आरजी है, इसके रेजिस्टेंस को आपने आरजी कह दिया या जी कह दिया, और इसके सीरीज में आपने क्या लगा दिया, इसके जो है सीरीज में आपने रेजिस्टेंस लगा दिया, इसके सीरीज में आपने क्या कर दिया, इसके सीरीज में आपने रेजिस्टेंस लगा दिया, इसके रेजिस्टेंस को आई कह दिया, इस सेटअप को आपने कर दिया, इसमें करंट कितनी जा रही है, इसमें करंट तो सेम ही रहेगी, करंट में तो परिवर्तन होगा नहीं, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, इसकी टोटल अगर करंट निकालें आईजी की, तो आईजी की टोटल करंट कितनी हो जाएगी भाई, टोटल करंट, अगर सॉरी टोटल वोल्टेज, इसका वोल्टेज कितना है, इसका वोल्टेज हम वी मान लेते हैं, इसका वोल्टेज वी और अपॉन रेजिस्टेंस कितना भाई, आई बराबर जी प्लस आर, जी प्लस आर। यहां से अगर V निकालना हो तो V बराबर कैसे लिख देंगे, आई जी जी प्लस आर, और यहां से अगर आपको R कैलकुलेट करना हो तो G, यानी आपने जो संट, इसमें संट के रेजिस्टेंस को आपने R ही लिख रखा, जबकि उसमें R S लिख रखा था संट के रेजिस्टेंस को, तो G प्लस R बराबर आपका क्या हो जाएगा, V अपॉन आई जी हो जाएगा, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन आई जी माइनस जी, V अपॉन आई जी माइनस V, ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक है G माइनस, नहीं उल्टा लिख दिया हमने, सॉरी, ये आपका V अपॉन IG हो जाएगा, R उधर जाएगा, तो R बराबर आपका हो जाएगा V अपॉन IG, सही लिखा है, V अपॉन IG माइनस G, ठीक है, V अपॉन IG माइनस G आपका ये हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस। अब इस पर किस तरह के न्यूमेरिकल आ जाते हैं, आपने क्या देखा कि इसमें मैंने सीरीज में लगाया है, अभी आप हम आपको मिक्सअप क्वेश्चन बता देंगे, गैल्वेनोमीटर और मीटर के मिक्सअप क्वेश्चन भी आपको न्यूमेरिकल साथ में न्यूमेरिकल करवा देते हैं, जिसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स ना आए, इसमें कभी भी आता है तो इसमें न्यूमेरिक प्रॉब्लम ही आती है,
ये जो कॉन्सेप्ट बताया है इस पर अगर आएगा तो आपके न्यूमेरिकल्स ही आएंगे, न्यूमेरिक प्रॉब्लम आएगी। किस तरह से न्यूमेरिक प्रॉब्लम आती है इन पर डिस्कस करते हैं। जैसे दे रखा है एक धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध 20 ओम है, एक धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध, धारा मापी की कुंडली बोल रहा है, ठीक है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? गैल्वेनोमीटर। एक गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस दे रखा है वो 20 ओम दे रखा है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना दे दिया? जी बराबर 20 ओम दे दिया गया। अब हमसे क्या कह रहा है? तथा इसमें 3 मिली एम्पियर की स्केल दे रहा है। करंट कितनी दे रहा है? 3 मिली एम्पियर की स्केल दे रहा है। 3 मिली एम्पियर की स्केल दे रहा है, यानी इसको क्या बोल देंगे? इसको आईजी, करंट आईजी 3 मिली एम्पियर स्केल दे रहा है। कह रहा पूरे स्केल छेप देता है। यदि आप इसे अमीटर को 0.18 वोल्ट के वोल्ट मीटर में कैसे चेंज करेंगे? आप इसे किस वोल्ट मीटर में? आप इसे वोल्ट मीटर में चेंज करना चाहते हैं और 0.18 वोल्ट मीटर के में आप चेंज करना चाहते हैं तो क्या लगाना होगा हमें इसके? हमें क्या लगाना होगा? हमें इसके सीरीज में रेजिस्टेंस लगाना होगा। आप कह रहा था क्वेश्चन ये है कि एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम दे रखा है, इसमें जो करंट आ रही आई जी आ रही है, आप इसे वोल्ट मीटर के सेटअप में चेंज करना चाहते हैं 0.18 वोल्ट मीटर में, तो आप इसके सीरीज में क्या लगा देंगे? रेजिस्टेंस लगा देंगे। रेजिस्टेंस आपने लगा दिया, कितना रेजिस्टेंस लगा दिया? आर लगा दिया। जब आर आपने रेजिस्टेंस लगा दिया तो आपको क्या बताया गया था कि टोटल रेजिस्टेंस जी प्लस आर बराबर क्या बताया? जी प्लस आर बराबर वी अपान आई जी। आर बराबर क्या बताता है? वी अपान आई होता है, वही रह गया। टोटल रेजिस्टेंस बराबर वी अपान आई। तो जी, जी आपको दे रखा है 20 ओम, तो 20 प्लस आर, और वी कितना दे दिया? 0.18, और ये कितना दे दिया गया? मिली एम्पियर। मिली यानी 10 की पावर माइनस 3, और ये इसको कर दिया 10 की पावर माइनस 2, पॉइंट था 2 कर दिया, ये 6 हो गया। तो 20 प्लस आर ये कितना हो गया? 6 इंटू 10, तो R बराबर कितना हो जाएगा? 60 माइनस 20 बराबर 40 ओम। कितना लगाना होगा हमें? ये पावर प्लस में, ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा? हमें 40 ओम का रेजिस्टेंस और लगाना होगा। अगर 40 ओम का रेजिस्टेंस हम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा वोल्ट मीटर में। क्लियर है? नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं आपका क्या दे रखा है। कह रहा है कि 12 ओम प्रतिरोध का एक धारा मापी, मैंने कहा था आपको मिक्सअप क्वेश्चन भी बता देंगे हम इसी के साथ। कह रहा है 12 ओम प्रतिरोध का एक धारा मापी, 12 ओम प्रतिरोध बोल रहा है का धारा मापी, यानी एक गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस दे दिया गया वो 12 ओम दे दिया गया। कह रहा है गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 12 ओम है, तब ये 0.0025 मिली एम्पियर की करंट शो कर रहा है, यानी आईजी बराबर कितना शो कर रहा है? 0.0025 एम्पियर ये करंट दे रहा है। कह रहा है इसे 7.5 एम्पियर परास के वोल्टमीटर में रूपांतरित कीजिए। इसे किस परास में चेंज करना है? इसकी जो परास रखनी है 7.5 बनाना, यानी आई है आपको कितना बना देना? 7.5 एम्पियर वाला आपको अमीटर बना देना है। गैल्वेनोमीटर को चेंज करिए, आपको क्या करना होगा? आपको संट लगाना होगा। आपको क्या लगाना होगा? आपको संट लगाना होगा। जब आप संट लगा देंगे इसके पैरेलल में तो ये बन जाएगा। अब संट अभी हमसे ये क्या पूछ रहा है? हमसे संट का रेजिस्टेंस ही पूछ रहा है। अब आपको क्या बताया था कि G into IG बराबर S I माइनस IG, ये बताया था आपको। तो G कितना है? 12, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 0.0025 इज इक्वल टू S, और ये हो आई हमें 7.5 है, यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर देंगे कितना? 0.0025 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, ये इसको ऐसे ही लिखा रहने दें। तो यहाँ से S बराबर कितना आ जाएगा? 12 × 0.0025 अपॉन, इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 7.4975 आ जाएगा।
फोर डेसिमल बाद ये आपका आ गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे सीधे सीधे 25 से, ये आपका 2 टाइम्स आ जाएगा 49, ठीक है, 49 आपका हो जाएगा, ये 2409, ये आपका कितने 9 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है, आपका फिर 24/7 फिर 9 टाइम्स आ जाएगा, फिर आपका कितना हो गया आपका 2325, ये फिर आपका आपका जाएगा 9 टाइम्स, तो आपका ये आ जाएगा लगभग। अब इसको डिवाइड कर देंगे, इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अप्रॉक्स 3000 मान लेते हैं, 2900 लिखा हुआ 3000 मान लेते हैं, तो इसको कैसे लिख देंगे, 3×10^4 में, ठीक है, 10^3 कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 4×10^-3 ओम। अगर इस ओम का हम एक रेजिस्टेंस लगा दें, इतने ओम का यदि हम एक रेजिस्टेंस लगा दें, कैसे लगा दें, पैरेलल लगा दें, आपने ये बताया था कि ये गैल्वेनोमीटर है, इसके पैरेलल हम ये रेजिस्टेंस लगा दें, तो इसे हम किसमें 7.5 अमीटर वाले जो है 7.5 स्केल वाले अमीटर में इसको हम चेंज कर देंगे। इसमें कुछ और भी कह रहा है, इसके सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, कह रहा है अगर इसे वोल्ट मीटर बनाना हो, किस रेंज का, 10 वोल्ट का अगर इसे रेजिस्टेंस अगर मान लीजिए बनाना हो, इसका सेकंड पार्ट। अब उसने ये नहीं कहा कि अमीटर में कन्वर्ट करिए, अब उसने कहा है कि यदि इसको गैल्वेनोमीटर बनाना हो, क्या बनाना हो, गैल्वेनोमीटर बनाना हो, और गैल्वेनोमीटर वो भी किसका, V = 10 वोल्ट वाला बनाना है, तो आपको क्या बताया था कि G+R = V/Ig। अब इससे मतलब नहीं है, अब हमें ये है इसका सेकंड पार्ट कह रहा है, उसमें बोल रहा है 10 वोल्ट का बनाना है आपको, तो V यानी 10 वोल्ट हो गया, V आपका कितना हो गया 10 वोल्ट हो गया, तो 12+R = 10/ इसको कैसे लिख लेंगे 25 या 2.5 1 2 3, तो 10^-3 कर देंगे इसको, ये कितना हो गया 4 हो गया, तो 12+R ये ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, कितने हो जाएंगे 4000 और 4000 से 12 चले जाएंगे 3988 ओम, यानी इस ओम का रेजिस्टेंस लगा दीजिए, कितने ओम का लगा दें, ठीक है 3988 ओम का, ठीक है 3988 ओम का, कैसे सीरीज में, जैसे ये गैल्वेनोमीटर है इसके सीरीज में आप कनेक्ट करेंगे तो ये जो सेटअप बनेगा वो आपका वोल्ट मीटर का हो जाएगा, वो किसका हो जाएगा, वोल्ट मीटर का हो जाएगा, तो इस तरह से आप गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर में, और आप अमीटर में चेंज कर सकते हैं। क्या क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान दे रखना है जब अमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो संट को हम पैरेलल लगाएंगे, और जब वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस को किसमें लगाएंगे, सीरीज में लगाएंगे। इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन कर सकेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, थैंक यू।